ऑल राइट, सो हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। एंड आज की वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड गाइस, अगर तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने यार मेरी वीडियोस देखी हैं तो गाइस आपको पता हो कि भाई माइकल के भी पास सुपर कार है। एंड ट्रैवल तो भाई ले ही लेता है किसी से, बट यार यहाँ पे यार फ्रैंकलिन को देख के बहुत ही दुख हुआ था कि भाई सबके पास सुपर कार है या तो कोई ना कोई कार है। बट गाइस फ्रैंकलिन एक ऐसा बंदा था जिस पर भाई एक नॉर्मल सी कार भी नहीं थी, इवन तो यार सुपर कार तो बहुत दूर की बात है, मतलब भाई एक कार भी नहीं थी ना बाइक। तो भाई इसी को लेकर भाई फ्रैंकलिन जो था उसने बहुत सारी जॉब्स करी एंड मतलब पैसे इकट्ठा कर एक नई सुपर कार खरीदने के लिए। एंड गाइस जो यार सुपर कार की आज हम खरीदने वाले हैं ना भाई, जो सुपर कार भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड गाइस अभी तक यार पूरे लॉस सैंटोस में वो सुपर कार किसी पे भी नहीं है, ना माइकल पे ना ट्रेवर पे। तो भाई आप कह सकते हो कि भाई फ्रैंकलिन एक लौता होने वाला है, उस वाली कार को खरीदने वाला है। एंड गाइस तुम देख सकते हो, मतलब भाई फ्रैंकलिन के कपड़े वपड़े एंड भाई इसकी शक्ल यार बेचारे की क्या ही हो चुकी है, मतलब भाई बर्गर बेचने उसने चालू कर दिए थे यहाँ पे। बट गाइस फाइनली यार सुपर कार को खरीदने के लिए भाई पूरे पैसे हो चुके हैं फ्रैंकलिन के पास। एंड आज ही वो दिन यार जहाँ पे हम खरीदने वाले हैं फ्रैंकलिन के लिए एक नई सुपर कार। एंड भाई मतलब भाई फ्रैंकलिन की यार इतनी ज़्यादा ही मतलब क्या ही बताओ, और आप देख सकते हो ना चप्पल है पहनने के लिए और भाई कपड़े तो बिल्कुल है ही नहीं। और देख सकते हो यार मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा बंदे ने हार्ड वर्क करा है। एंड हाँ यार जोर से लाइक कर देना अगर आपको भी फ्रैंकलिन की वो सुपर कार देखनी है। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब लिटरली यार तुम देख सकते हो फ्रैंकलिन की क्या ही हालत हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले हम जाने वाले हैं फ्रैंकलिन का थोड़ा लुक चेंज करेंगे। एंड सबसे पहले हम इसके मतलब कुछ बाल वाल सही करवाएंगे, ठीक है। मतलब भाई ऐसे तो हम जा नहीं सकते शोरूम के अंदर, वो भी सुपर कार खरीदना, मतलब भाई एंट्री तो देने से रहे, ठीक है, हमारा पोपट पहले ही बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हेयर सैलून एंड वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि यार फ्रैंकलिन थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो गाइस फाइलर यहाँ पे आ चुके हैं अपने बार्बर के पास, ठीक है, जहाँ से यार फ्रैंकलिन हर बार अपना हेयर कट करवाता है। एंड सबसे पहले अपनी साइकिल को लॉक कर देते हैं बिकॉज यार इस साइकिल के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके तो चलो यार अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कौन कौन से स्टाइल्स हैं जो यार फ्रैंकलिन के ऊपर सूट करने वाले हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे देखते हैं भाई, मतलब देख सकते हो यार कैसा लग रहा है बेचारा फ्रैंकलिन। एंड सबसे पहले इसकी बियर्ड हम सही करवाते हैं, क्लीन शेव करवाते हैं पूरी। ओके एंड गाइस यहाँ पे हमारा $20 में यहाँ पे पूरा क्लीन शेव हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन हमारा पहले की तरह लग रहा है। एंड सबसे पहले हम अपना हेयर स्टाइल चूज करते हैं। ओके मतलब भाई लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा ओपी लेवल के यार यहाँ पे हेयर कट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एंड गाइस ये थोड़ा यार मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है स्टार्स वाला। एंड ओ भाई ये मतलब भाई क्या ही गजनी कट है यार ये, ठीक है। ओ भाई फ्रैंकलिन कितना ही ड्रामा लग रहा है इस कट में, बट हम कोई नॉर्मल सा कट चूज़ करने वाले हैं। ओके एंड गाइस यहाँ पे हमारे $28 में हेयर कट हो चुका है। एंड चलो यार अब बाहर की तरफ चलते हैं। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो फ्रैंकलिन ने अपनी हेयर कटिंग भी करवा ली एंड अपनी बियर्ड भी शेव करवा ली है। एंड सबसे बड़ी बात आपको पता होगा अब हमें क्या करना है, अब हमें भाई फ्रैंकलिन के लिए एक नए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, जिससे यार फ्रैंकलिन थोड़ा सा मतलब सही सा दिखे। और जल्दी चलते एक नए शोरूम में और वहाँ से कुछ क्लोथ्स बाय करते हैं। एंड गाइस फाइनली यार भाई 10 मिनट की ड्राइविंग करते करते साइकिल से हम आ चुके हैं क्लोथ्स मार्किंग के लिए, जहाँ से हमें अपने कपड़े को ख़रीदना है। एंड यही वो शॉप है जहाँ से फ्रैंकलिन रेगुलर अपने कपड़े ख़रीदता है। एंड सबसे पहले मैं अपनी साइकिल को लॉक कर देता हूँ। ओके एंड चलते हैं अंदर की तरफ एंड देखते हैं कौन कौन से नए क्लोथ्स आए हैं। ओके तो आई गेस ये तो यार नहीं, मतलब भाई कुछ अच्छे से क्लोथ्स थे यार, मतलब फ्रैंकलिन लगे हाँ भाई कि बड़े घर का बंदा है एंड भाई सुपर कार खरीदने आया है। तो आई गेस यार ब्लेजर टाइप थोड़े सही लगेंगे। एंड ये 3-पीस सूट ये तो 2-पीस है एंड 3-सीट थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड ओके एंड थोड़े और देख लेते हैं। वैसे यार मतलब क्लोथ्स थोड़े सही हैं, बट एक बार पूरा चेक कर लेते हैं क्योंकि यार अभी हमारे पास पैसे बहुत कम हैं एंड अभी हमें घर जाके अपना पूरा बैग उठाना है। ओके तो गाइस यार मैंने डिसाइड कर लिया क्यों ना फ्रैंकलिन को एक ब्लेजर पहनाते हैं एंड देखते हैं उसमें कैसा लगता है, ठीक है, बहुत ही मतलब अमेजिंग लुक इसका आने वाला है। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं फ्रैंकलिन के ऊपर। और ये रहा चेंजिंग रूम,
तो गाइस बहुत सारे सूट्स देखने के बाद एंड ट्राई करने के बाद भाई फाइनली यार यहाँ पे फ्रैंकलिन को एक सूट पसंद आ चुका है जो कि यार 3 पीस सूट है। एंड यार मतलब इस सूट को देखने के बाद मतलब आप भी कहोगे यार मतलब भाई फ्रैंकलिन तो पूरा चेंज हो चुका है, जो कि यार पहले कोई बर्गर बेचा करता था। मतलब भाई इतने हार्ड वर्क इसने करे। एंड गाइस अब तुम इसे देखोगे ना मतलब भाई पूरा चेंज हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ओ भाई लिटरली यार मतलब भाई आप देख सकते हो भाई मतलब क्या ही बंदा लग रहा है। मतलब भाई कोई देख के भी इसे पहचान भी नहीं पाएगा कि भाई कभी फ्रैंकलिन बर्गर बेचा करता था एंड साइकिल पे जाता था। बट गाइस यहाँ पे देख सकते हो मतलब भाई फ्रैंकलिन जो लग रहा है भाई लॉस सैंटोस का बिलियनेयर लग रहा है। ओ भाई मतलब लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल का ये वाला सूट मुझे लग रहा है एंड फ्रैंकलिन को भी। एंड इस वाले को हम खरीदने वाले हैं। एंड लिटरली यार भाई यहाँ पे फ्रैंकलिन पूरा सलमान भाई बन चुका है। एंड गैस चलो यार अब जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने घर पे। एंड गैस वहाँ से पैसे उठाते हैं ताकि हम अपनी सुपर कार को खरीद पाएँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरी साइकिल, बट एक चीज़ यार मुझे थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही है। मतलब भाई यार लोग कहेंगे मैं इतना सूट बूट वाला बंदा साइकिल पे जा रहा है तो भाई थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड थोड़ी भाई शर्म भी आने वाली है। तो गैस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टैक्सी कर लेते हैं अपने घर तक की, एंड साइकिल को तो मतलब बाद में मैं पिक कर लूँगा। एंड ये मेरे वैसे भी दोस्त का शोरूम है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। एंड ये अभी लॉक है तो यार सबसे पहले अपना फ़ोन निकालता हूँ एंड एक टैक्सी ऑर्डर कर देता हूँ। ओके एंड यहाँ पे डाउनटाउन कैब। ओके Hey, I need a cab. I'm sending one out right now. Appreciate it. तो गाइस यहाँ पे हमारी कैब भी आ रही है। एंड यहाँ पे लिटरली मतलब भाई फ्रैंकलिन को देखिए यार कितना ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट लग रहा है भाई। लड़कियाँ देख के यार इसको एकदम फिदा होने वाली हैं। एंड पता नहीं हमारी टैक्सी कहाँ पे रह गई। एंड गैस यहाँ पे हमारी टैक्सी आ चुकी है। ओके हाँ भाई आ गया आ गया। तो गैस जो कैब थी यार उसने हमें डायरेक्ट फ्रैंकलिन के घर पे उतार दिया। एंड गैस अब हम आ चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे। एंड गैस आपको मैं बता दूँ कि भाई इसके घर को देखने के बाद हो सकता है आप इमोशनल हो सकते हो, बिकॉज जो भाई फ्रैंकलिन है उसने भाई सुपर कार को ख़रीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करा। एंड आपने देखा था मतलब भाई वो बर्गर्स बेचता था, मतलब भाई बहुत सारे उसने काम करे थे। एंड भाई फाइनली पूरे उसने पैसे जमा कर लिए। एंड गैस इसका घर आप देख सकते हो फ्रैंकलिन का, मतलब भाई इतने टूटे फूटे घर में भाई बेचारा हमारा फ्रैंकलिन भाई रहता था। बट गैस आज के यार मतलब भाई आज के बाद ना पूरे यहाँ पे सारी चीज़ चेंज होने वाली हैं। एंड गैस यार यहाँ पे इसलिए भी रहता था बिकॉज यार जो माइकल एंड ट्रेवर थे वो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते थे फ्रैंकलिन का, बिकॉज यार उन सब के पास यार मतलब भाई अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, सुपर कार्स हैं, बहुत सारी कार्स हैं जो कि यार फ्रैंकलिन अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट गैस फाइनली यार बहुत सारा हार्ड वर्क एंड पेशेंट के बाद फाइनली फ्रैंकलिन के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। एंड अब हम जाने वाले हैं भाई पूरे पैसे को लेकर शोरूम में एंड वहां से हम खरीदेंगे एक सुपर कार। एंड गैस उसके बाद यार मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो क्यों ना हम फ्रैंकलिन के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, वो भी लॉस सैंटोस के अंदर। बिकॉज यार ये जो घर है फ्रैंकलिन का यार सिटी से बहुत ही दूर है तो यार आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रैंकलिन को एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो एक हम अपार्टमेंट लॉस सैंटोस के अंदर ही लेने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल तो यार अभी हम बाद में देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें। एंड अभी तो फिलहाल मैं अपने पूरे पैसे उठाने वाला हूँ एंड चलते अपने शोरूम में, वहाँ से हम बाय करने वाले एक सुपर कार जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस फाइनली यार फ्रैंकलिन ने पूरे अपने पैसे इस वाले बैग के अंदर रख लिए हैं एंड इस बैग के अंदर अभी $1 million हैं। एंड चलो यार अब जल्दी से जल्दी निकलते हैं एंड चलते हैं शोरूम में, वहाँ से खरीदते हैं अपनी सुपर कार को। बट गैस यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है बिकॉज यार मैं अपनी साइकिल तो वहीं पे भूल आया, मैं टैक्सी करके आया था। तो गैस अब मुझे दोबारा से टैक्सी करनी होगी। ओह भाई चलो यार सबसे पहले हम अपनी टैक्सी को ऑर्डर कर देते हैं बिकॉज उसे भी आने में टाइम लगने वाला है। ओके एंड यहाँ पे डाउनटाउन कैब को कॉल करते हैं। Thanks for calling. Cool. Okay. तो गाइस यार जो हमारी कैब थी वो भी अपने रास्ते में आ रही है एंड जल्दी जल्दी निकलते हैं एंड अब चलते हैं शोरूम में। तो गाइस यार कैब वाले ने हमें भाई डायरेक्ट शोरूम पे उतार दिया जहाँ पे हमें आना था। एंड गाइस आप देख सकते हो भाई ये वो शोरूम है जहाँ से हम भाई फ्रैंकलिन की सुपर कार खरीदने वाले, उसकी ड्रीम कार खरीदने वाले। एंड गैस उस कार को देखने के बाद ना मतलब भाई आपको हो गया मतलब भाई इतनी अमेजिंग कार भाई कैसे खरीद ली वो भी फ्रैंकलिन ने।
एंड भाई सबसे बड़ी बात भाई, पूरे लॉस सैंटोस में अभी तक वो कार किसी पे भी नहीं है, ना ही सेलिब्रिटी के पास, मतलब भाई किसी के पास भी नहीं है। तो भाई एक लौता भाई फ्रैंकलिन होने वाला है उस कार को खरीदने वाला, ठीक है, उसका ओनर होने वाला है। एंड गाइस चलो और देखते हैं। एंड गाइस अभी तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब भाई सुपर कार यहाँ पे खड़ी हैं, ओपी लेवल की। एंड गाइस ये सबसे बड़ा शोरूम है लॉस सैंटोस का, जितने भी लोगों को कार खरीदनी होती है वो सब इधर ही आते हैं, ठीक है। तो चलो और अब जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कार यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। एस्टन मार्टिन, मर्सिडीज, ऑडी, मतलब भाई बहुत सारी कार लिटरली यहाँ पे तुम्हें थाउजेंड ऑफ सुपर कार्स यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलने वाली। एंड गाइस तुम देख सकते हो ये रेड वाली कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। एंड गाइस पर्सनली यार इसका जो भाई पीसी का लुक है वो भाई लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेवल का होने वाला है। एंड पता नहीं यार यहाँ पे ट्रक कौन खरीदता है, ठीक है। बेसिकली ये जो कार है यहाँ पे तुम्हें यार पूरी सुपर कार एंड कार्स देखने के लिए मिलेंगी। एंड भाई मतलब ट्रक का यार मुझे कुछ सीन समझ नहीं आया। एंड भाई सबसे मतलब भाई खतरनाक कार पूरे में अगर आपको GDA5 की बताऊं तो भाई ये वाली है नैनो। मेरी पर्सनल चॉइस है ये नैनो, जो कि दिखती छोटी है पर भाई भक्ति बहुत ही तेज है। लिटरली भाई बुगाटी चिरियन को भी हरा देगी यार, मतलब इतनी तेज भक्ति। एंड गाइस यहाँ पे रोल्स रॉयल्स बहुत सारी कार्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बट गाइस यार जिस कार को हम लेने आए हैं भाई वो भी कार ऊपर है, बिकॉज यार उसको मैंने स्पेशली भाई इम्पोर्ट करवाया था बाहर से। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की कार्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलने वाली है। बट गाइस वो जो कार है ना यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की है। एंड गाइस सबसे यार मुझे इस शोरूम में सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है जो भाई शोरूम का व्यू है ना वो देखो, मतलब बीच के पास ये शोरूम है एंड यहाँ पे तुम्हें भाई ओशियन व्यू भी मिल जाता है। मतलब भाई पूरी यार अलग सी फीलिंग आ जाती है यहाँ पे आपको कार खरीदने वाली। एंड यहाँ पे आपको कुछ एग्जॉटिक कार भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओ भाई लिटरली ये सारी तो मतलब पहले कार्स यूज़ हुआ करती थी रेस के टाइम। ओके एंड आई गेस ये लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, पुराने मॉडल वाली। एंड ये शायद थार है या हमर है। एंड आई गेस ये फॉर्च्यूनर है, नहीं शायद ये रॉल, पता नहीं यार जो भी हो। इनके यहाँ पे देखो भाई हायाबूसा, डुगाटी एंड बहुत सारी अदर कार।